So hello everyone, welcome to Yourpedia Education. So today in this video, I will interact with Mr. Sumit, who is recently selected for scientist position in DRDO. So this discussion will be, handful or full of information, or basically, there will be few guidelines for those students who want to prepare for prestigious organization like DRDO, ISRO, BARC, and that too with the job. So how you can get the time and how you can prepare and what were the interview question being asked in the DRDO, that all discussion we will do in brief with Sumit. So Sumit, first of all, congratulations for your final selection, finally getting selected in DRDO as a scientist, right? Thank you. और कैसा लग रहा है फिर अभी? सर अभी तो मैं अपना डेस्टिनेशन ही यही बनाया था, तो अभी अचीव करके लग रहा है कि हाँ that I am also stand कि कुछ कर सकता हूँ। नहीं, अच्छी बात है यार। देखो, दूसरा चीज है कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को पहले अपने बारे में बताओ, आपने कब अपनी एजुकेशन पूरी की, उसके बाद आपने क्या क्या किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, there are many students who are stuck in the same phase as you were earlier, right? Yeah. So they are preparing, they are trying to upgrade their profile, but they are not getting success. या कईयों के तो एग्जाम ही नहीं निकल रहे हैं, राइट? सो आपका भी ऐसा कुछ जर्नी रहा होगा, तो एक बार थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए सो दैट स्टूडेंट कैन रिलेट मोर विद यू। एक्चुअली मैं 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था सर, और फिर बीटेक कंप्लीट के बाद मैंने कहाँ से बीटेक किया था आपने? सर मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बीटेक कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मैं एक साल सर गैप लिया था गेट के प्रिपरेशन के लिए, तो गेट का प्रिपरेशन के लिए गैप लिया, लेकिन उतने अच्छे रैंक नहीं आए थे। 2600 रैंक आए थे, तो 2600 रैंक से हम एटलीस्ट मतलब एनआईटी में एमटेक ये सब का मिल सकता था। लेकिन उसी कारण मैंने इसरो में भी अप्लाई किया था एज ए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके सर, उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि नहीं, आप अपन को काम करना है तो इसरो या डीआरडीओ वाले कल्चर में काम करना है, तो मेरे को वो ज़्यादा फैसिनेट कर गया, तो मैं इसरो में एज ए अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया सर। उस समय मतलब आपकी जर्नी रही है अप्रेंटिसशिप से लेके साइंटिस्ट तक, राइट? यस सर, वो सर वहाँ के जो साइंटिस्ट है सिद्धांत जोशी सर, उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को बोला कि तेरा जर्नी मैं शुरू से देख रहा हूँ, 5000 से तुमने जर्नी शुरू किया था, तो फाइनली वहाँ पहुंचा। तो उन लोग को देखकर मेरे अंदर एक आया कि नहीं यार, अगर वर्क करना है तो इस कल्चर में करना है। यार इस कल्चर में देखने के बाद लगता था कि नहीं, तो मतलब इन्वायरमेंट एक नॉलेज टाइम वहाँ आसपास में होता था, तो मतलब मजा आता था एक तरह से कि सामने में कुछ इतने नॉलेजेबल पर्सन होते थे, लेकिन मतलब कभी ऐसा नहीं फील आता था कि वो बहुत हायर है और मैं बहुत लोअर हूँ, तो वो कल्चर बहुत अच्छा लगता था सर। लेकिन अनफॉर्चुनेट भी है कि मैं इसरो पे एक साल कम्पिटिशन के बाद वहाँ मेरे को एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर सर मेरे सर बोले थे कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हारा वो वर्किंग बढ़िया लगा है हमारे सर को, तो सर बोले कि इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर कंटिन्यू कराओ। लेकिन उसी समय मेरे रेलवे में भी परमानेंट जॉब हो गए, एएलपी टेक्नीशियन निकल चुके थे। फिर उसके बाद आईआईएसटी में मैंने अप्लाई किया था एमटेक के लिए, उसी रैंक पे, तो उसमें भी हो गया था, मैंने ऑलमोस्ट फीस डन कर दिया था। फिर उसके बाद बिहार गवर्नमेंट में भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब मेरी निकल गई थी, तो मेरा तो अंदर से मन था सर कि मैं या तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर करूं, नहीं तो फिर मैं एमटेक करूं आईआईएसटी से। अच्छा। लेकिन घर वाले बोले कि अल्टीमेटली तेरे को करना है क्या है, तो मैं बोला जॉब, तो बोले कि जब जॉब परमानेंट जॉब लग रही है तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्यों करेगा। वो लोग को इसरो से कोई मतलब नहीं था कि आप इसरो में हो या डीआरडीओ में हो, तो मैं बोला कि ठीक है। मतलब घर वाले कोई सर एक्चुअली वर्किंग नहीं थे, मैं थोड़ा बैकअप नहीं था अच्छा से, तो फिर मैंने वही मतलब सब गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद बिहार का गवर्नमेंट जॉब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया सर। फिर लेकिन मैं जो एक साल का बैकअप में बिहार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क भी काम करा है। यस सर। ओके तो सर फिर लेकिन जो एक साल का बैकअप मेरे को मिला था सर, मैं अपना प्रिपरेशन उसमें ही कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं रिविजन ही करता था डेली। तो उस टाइम में इसरो का वैकेंसी आया, तो मैंने इसरो का डाला सर, तो उसमें मेरे 10 मार्क्स से रह गए थे, तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ। फिर उसके बाद उसी टाइम में फिर डीआरडीओ का भी वैकेंसी आया, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 136 है सर, तो उसमें भी मेरा 4 नंबर से रह गया था। फिर तो मेरे को अंदर से हिल गया कि यार डिस्क्रिप्टिव में 4 नंबर को हम कैसे काट सकते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू में बुलाते तो लेकिन इस बार सर देखिए कि फिर वहाँ बिहार गवर्नमेंट में, फिर उसका रेलवे में हुआ सर, तो रेलवे में मैं आ गया इधर बिहार गवर्नमेंट में रिजाइन कर कर, लेकिन अपने प्रिपरेशन में जारी रखा। मैं मेरा जॉब मतलब देखिए यार, आज की इतने जॉब्स आपने शिफ्ट किए, पहले आपने अप्रेंटिसशिप से स्टार्ट करा, फिर आप रेवेन्यू में गए, वहाँ आपने एज ए क्लर्क काम करा, फिर आप रेलवे में आ गए, बट अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखा। इतनी जॉब्स आपको मिलते जा रहे थे, तो मतलब अल्टीमेट गोल क्या था? वही कि इसरो डीआरडीओ पे जाना है, कि मेरे को अल्टीमेट इसरो या डीआरडीओ में ऐसे मतलब उनके काम करने सर, ये अल्टीमेट था। और मैं अपना रिवीजन में डेली करता था सर, मुझे कुछ भी रहे मैं 2 या 3 घंटा तो एटलीस्ट इतना निकालता था कि एक सब्जेक्ट तो रिवीजन कर सकूं मैं। अच्छा, तो ये सर मैं डेली करता था, चाहे मेरे घर में शादी हो या ना हो, ये मैं जरूर करता था। क्योंकि पापा भी बोलते थे एटलीस्ट घर का काम में तो इन्वॉल्व हो, मैं बोला मेरे ये सब से दूर रखो अब, ये कम से कम। तो ये था सर। दूसरी चीज है जो आपका डीआरडीओ का पहला स्क्रीनिंग आपका गेट के थ्रू हुआ था, राइट? यस सर। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस क्या रहता है बेसिकली? सर डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो ईएस का सिलेबस रहता है सर वही रहता है, लेकिन ईएस जितना उस लेवल तक वो टच नहीं करता है, लेकिन 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 न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है सर। मतलब आपको कन्वेंशनली आंसर लिखना होता है पूरा, राइट? यस सर, सब न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। अगर आपका गेट क्लियर है और लिखने का प्रैक्टिस है, जो न्यूमेरिकल को लिखेंगे आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, राइट? यस सर, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा, कितने लोग थे पैनल में, कितना टाइम चला, क्या क्या क्वेश्चन पूछे? सर मेरे इंटरव्यू पैनल में 5 मेंबर्स थे। हाँ, दिल्ली में ही था? यस सर, दिल्ली लखनऊ रोड के मार्ग पे। ओके, तो 5 मेंबर थे सर, और मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स चले थे सर। क्योंकि उन्होंने मेरे सारे पॉइंट पे हाथ रख दिए, मेरे मतलब इसरो पे भी हाथ रखे वो, फिर रेलवे पे भी हाथ रखे, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सब्जेक्ट पे भी हाथ रखे। और फिर शुरुआत में तो उन्होंने पता नहीं, उन्होंने 4 क्वेश्चन तो मैं जैसे ही सीट पे प्लेस किया सर, बैठा वैसे ही 4 क्वेश्चन रैंडम फेंक दिए, मतलब बिना कुछ पूछे कि हाँ आप कहाँ से आए हो, क्या है। क्या क्वेश्चन सर? पहला क्वेश्चन था कि शो मी द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सिग्नल। अच्छा। And second, if we will consider complex signal, then what will we change there? और फिर उसके बाद था सर what is energy signal and power signal, और फिर उसके बाद सर what is the signal length। तो ये 4 क्वेश्चन थे सर जो मेरे से बिना कुछ उन्होंने पहले मतलब उनको शायद लगा कि मैं ज्यादा कंफर्ट हूँ, उन्होंने मेरे को डिस्कम्फर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने सर बीच में तो सर थे, उन्होंने बोला कि आप अभी एक साथ क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला सर रेलवे में जाओ। फिर उसके बाद बगल से उन्होंने एक सर को इशारा किया, तो उन्होंने बोला आप कह रहे हो, तो बोले कि आप किस सब्जेक्ट को तैयार होके आए हैं? तो मैंने बोला सर, क्योंकि मैं जो बच्चे इंटरव्यू लेके आ रहे थे तो वो लोग थोड़ा डिस्कस करने लगे, तो बोले कि कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो सर मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं कम्युनिकेशन को पूरा तैयार होकर गया। तो मैंने बोला सर कम्युनिकेशन, तो बोले कम्युनिकेशन में कौन सा पार्ट? तो मैंने बोला सर एनालॉग कम्युनिकेशन जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एनालॉग कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर दिए सर, यार मॉड्यूलेशन, फिर मॉड्यूलेशन व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, फिर व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, और फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूलेशन, ये पूरा क्वेश्चन। और फिर इनवेलप डिटेक्टर सर, उसका डायग्राम ड्रा कराया, फिर उसके बाद उसका आउटपुट कैसा होगा, ये सारे डिस्कस हुए सर। उसके बाद मतलब क्वेश्चन ज्यादा बेसिक ही थे, मतलब एक तरह से जो तुमने तैयारी कर रखी है। कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन था, कोई बहुत तुम्हें लगा कि यार आउट ऑफ द लीग था? नहीं सर, आउट ऑफ द लीग तो नहीं बोल सकते सर, सब मतलब सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। वो ये था कि 1 बाय 1 वो इनसाइड जा रहे थे। तो कितने लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछे थे? सभी 5 के 5 मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछे? यस सर। फिर वो सर ने पूरा लगभग मेरे से पूछे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं इनवेलप डिटेक्टर ड्रा कर रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड का पोर्शन भी उन्होंने टच किया। फिर उसके बाद एक बगल में सर थे, तो बोले कि आपने इसरो में क्या किया, तो मैंने जो काम किया था सर वो मैं बताया। तो उन्होंने बोला अच्छा तब तो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे। तो बोले यस सर। तो बोले कि तो आपने एनालॉग क्यों बोला? तो मैं बोला सर एनालॉग तो मैं ज़्यादा कम्फर्ट मतलब स्टडी करके अभी प्रिपेयर होके आया हूँ, ऐसे डिजिटल भी अच्छे। तो फिर उन्होंने डिजिटल पे भी मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछे। जैसे डिजिटल में क्या क्वेश्चन पूछे, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्वेश्चन पूछे? डिजिटल कम्युनिकेशन उन्होंने बोले थे कि आप वहाँ वर्क क्या किया? तो मैंने बोला था कि सर मैं ATS का जो बेसिक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर है GI सेट 1 का वो मैं मतलब प्रिपेयर किया था। तो उन्होंने बोले उस पर क्या देखते हैं? मैंने बोला सर कॉन्स्टलेशन डायग्राम। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या होता है? तो फिर शुरू हो गया कि अच्छा BPS के ड्रा करो कॉन्स्टलेशन डायग्राम पे। तो BPS तो फिर QPS के आप क्या चूज करोगे BPS के QPS के में। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पे डिस्कस हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर हम कम कर देते हैं। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिस्टेंस कम रहने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के कारण हम लोग जो लेस होता है उसको ही सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोले कि ये और फिर दे दिए मतलब वो क्या QPS के फिर MIPS के में भी चले गए। तो बोले कि इससे और कुछ नहीं हो सकता है क्या, ये जो हमारा बीट एनर्जी है उससे, तो उस पर भी डिस्कशन किए। तो पूरा डिस्कशन हुआ सर। तो आपसे आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे रेलवे से रिलेटेड? हाँ सर। फिर एक मैम भी थी बीच में। मैम बोले कि आप रेलवे में क्या करते हैं? तो उन्होंने मेरे को कंफर्ट एक्चुअली ये ग्रुप सी पोस्ट है टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बोले कि ये तो कोई चैलेंजिंग जॉब आपका है नहीं, तो आप क्या करते हैं इसमें मीटर लगाते होंगे, रीडिंग लेते होंगे। तो मैंने बोला नहीं मैम ऐसा नहीं है, एक्चुअली रेलवे के रनिंग कंडीशन में काम करना होता है हम लोग को, तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। नहीं तो ऐसा रेलवे को स्टॉप करके काम करना होता तो चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन ऐसे चैलेंजिंग है। तो रेलवे फिर उसके बाद एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे सर जो रेलवे यूज करता है। ओके, तो मतलब आपको क्या लगा था इंटरव्यू के बाद? लग रहा था कि हो जाएगा या फिर पैनल ने कुछ बोला था? कोई ऐसी चीज पैनल ने आपको बोली हो कि जो थोड़ी डिफरेंट हो? सर लास्ट में जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरे को बोले कि ब्रेकफास्ट किया है? तो मेरे को लगा ये तो क्वेश्चन सही नहीं, तो मेरे को लगा शायद अच्छे बिहेवियर है। तो मेरे को थोड़ा सिग्नल मिला कि शायद हो सकता है, लेकिन बाद में निकलने के बाद फिर मेरा लगा यार मैंने तो बहुत जगह अटका हूँ। जैसे 2-3 क्वेश्चन थे सर जहाँ मैं अटका था। जैसे एक क्वेश्चन उनको बोले थे कि मतलब मॉड्यूलेशन में क्या जरूरी है, हाँ मॉड्यूलेशन में क्या जरूरी है। तो मैंने बोला सर हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचे ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोले नहीं वो ऐसा ही सारा कहेंगे, नहीं हम इससे कंफर्ट नहीं है, ये आंसर से मेरे हिसाब से नहीं है। तो मेरे को लगा कि शायद वो खराब हुआ, तो मेरे को लगा कि शायद नहीं भी हो। तो मैं दोनों, लेकिन मेजोरिटी में मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ सर हमेशा, मैं फेल करूँ या कुछ, लेकिन मैंने सोचा चलो यार हो जाएगा। देखो 45-50 मिनट तो इंटरव्यू गए थे एटलीस्ट। गुड। तो क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, कि जिनको लगता है सबसे पहले चीज तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या डिफरेंट होता है इंटरव्यू की तैयारी और रिटर्न की तैयारी में, क्या फर्क होता है, ब्रीफ में बताओ। सर रिटर्न की तैयारी तो आप नोट्स से कर सकते हो, जो आपका नोट्स है आपकी जो भी गाइडेंस है वो अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो आप उस पर वर्क कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, रिटर्न आपसे निकल जाएगा, वो कोई डील नहीं है। लेकिन आप इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कई बार आपके पास नॉलेज होता है और इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे मेरा ये इंटरव्यू सर 2nd टाइम था पूरे लाइफ का। तो ये चीज़ मेरे को लग रहा था, प्लस मेरा ये स्टैमिंग प्रॉब्लम है सर, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना मैं गंदा कर दूँ इंटरव्यू में। तो इसलिए मैंने Yourpedia ज्वाइन किया था। तो मैं विनय सर और चंद्रा सर को बहुत दिया था दोनों सर को। तो एटलीस्ट मैं ये था कि मेरे पास एटलीस्ट नॉलेज रहेगा तो मैं वहाँ पे ब्लैंक नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस मेरी अच्छी हुई थी सर Yourpedia से ही। Yourpedia पे मैंने बहुत दिया हूँ, कंट्रोल का दिया था सर और डिजिटल का भी दिया था, तो मैं बहुत कम्युनिकेशन का भी दिया था। तो ये एटलीस्ट दिया तो मेरा ये था कि नॉलेज आते पर मुझे ब्लैंक नहीं होना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे मॉक कीजिए या फिर नहीं तो खुद वो बोलते हैं कि आईने के सामने आप रख के बात करो वो right. सर तो यही है, आपको मॉक देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू में होता है सर कि आपके पास नॉलेज रहते पर आप ब्लैंक हो जाते हैं। राइट। सो सुमित यार इट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी एंड ट्रूली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल जर्नी। तो अब तो घर वाले खुश होंगे, घर वालों को अब समझ आ गया कि साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है। घर वालों को सर बस ये मतलब था कि नौकरी ले लो, नौकरी होती है, लेकिन अभी एक्चुअली हमारा सोसाइटी उस लेवल तक नहीं है सर कि चलो यार ये चीजें तो देखो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट ये कि यू हैव मेड देम प्राउड, राइट? ओके, तो वेरी सून दे विल रियलाइज दैट यू नो यू आर स्ट्रगलिंग समथिंग गुड फॉर समथिंग गुड बेसिकली, राइट। अगर आप मेहनत कर रहे थे तो उसकी कोई वजह थी। तो जॉब होना, ठीक है, देखो पेरेंट्स का अपना ओपिनियन होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर हो, ठीक है, स्टेबल रहें। अगर सरकारी जॉब मिल रही है, एक माना जाता है भारतवर्ष में कि सरकारी जॉब मतलब इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, सिक्योरिटी रहती है जिंदगी में। बट ठीक है, आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपना एफर्ट डालते रहे साइड बाय साइड, दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द यूरपीडिया एजुकेशन, कि आप जाओ और अब लाइफ को एंजॉय करो और अच्छा काम करो एंड मेक अस मोर प्राउडर बाय कंट्रीब्यूटिंग समथिंग सिग्निफिकेंट इन डीआरडी आल्सो, राइट। ओके, थैंक यू सर। ओके सुमित, थैंक यू।